नमस्कार दर्शक बंधु समस्त शुभ सकाळ। आज डिसेंबर 25 शुक्रवार प्रतिदिन पर आज मध्ये आपण मानक पे नेई गेसी छु सकाळर 15 टी बड़ खबर। सब खबर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं कामर अटे। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु आज समस्त मुख्य खबर जानि परिबे। ता सहित गोटे लाइक दे अनुमान को मध्य शेयर कर दियंतु। नंबर 1 देवाशिषु को चयनकर्ता निजुक्ति कला बीसीसीआई। ओडिशा क्रिकेट पर खुशी खबर। एणिकी भारतीय क्रिकेट टीम बाछबे ओडिया पुओ तथा पूर्वतन भारतीय क्रिकेटर देवाशिष महंती। भारतीय क्रिकेट दलर जातीय चयन कमिटी रे स्थान पाई देवाशिष। गतकाल बीसीसीआई रो क्रिकेट एडवाइजरी कमिटी देवाशिष को समेत चयन कमिटी पर अन्य दुई जनक नाम सुपारिश करिछे। चेतन शर्मा आबे कुरुभिला कमिटी रे स्थान पाई। पूर्वतन भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा को ही मुख्य चयनकर्ता भाव में नियुक्ति करिछि बीसीसीआई। पांच जणिया चयन कमिटी यह पूर्व सुनील जोशी और हरविंदर सिंह स्थान पाई। एने ट्वीट कर सूचना देछि बीसीसीआई। नंबर 2 राउरकेलार हेबो भारतर बृहत्तम हॉकी स्टेडियम। 2023 रे ओडिशा रे आयोजित हेबाकु जाउछि पुरुष हॉकी विश्वकप। ए टूर्नामेंट भुवनेश्वर और राउरकेलार आयोजन करा जिवो। यह पूर्व राउरकेलार देशर सबुठारु बड़ हॉकी स्टेडियम निर्माण करा जिवो नै मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गतकाली घोषणा करिसेंते। 15 एकर जमीन रे स्टेडियम निर्माण करा जिवो। एथिरे 20,000 दर्शक बसी मैच देखि पारिबे। राउरकेलार बिजु पटनायक वैश्विक विश्वविद्यालय कैंपस रे स्टेडियम निर्माण हेबो। यह स्टेडियम रे बहु आधुनिक सुविधा रहिबो एवं अन्यान्य अनुभूति प्रदान करिबो। यह हॉकी क्षेत्र रे विश्वर सर्वोत्तम स्थान भाव में विवेचित हो बोली मुख्यमंत्री कहिसेंते। नंबर 3 आरंभ होला ओडिशा क्यारियर पोर्टाल। एणिकी वृत्ति और शिक्षानुष्ठान संपर्क में जापरिवे छात्र छात्री। विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास छात्र छात्री ओडिशा क्यारियर पोर्टाल शुभारंभ करते। पोर्टाल शुभारंभ अवसर में गणशिक्षा मंत्री कहते शिक्षार्थी मैंने आवश्यक करुवा वृत्तिगत शिक्षाप्राप्त निम्ते एक यथार्थ सूचनादाता रूपे कार्य कर क्यारियर पोर्टाल। शिक्षार्थी मैंने यार डैशबोर्ड को खूब सहजर निज आईडी द्वारा लॉगिन कर यह खोली पारे और आवश्यक सूचना पाई एथस निजर सन्देह मोचन करें और सठिक भाव से शिक्षाप्राप्ति निम्ते आवेदन करें मंत्री समीर रंजन दास कहते। नंबर 4 14 दिन मध्य ब्रिटेन ओडिशा आसी 43 जन। संक्रमण बढ़िबार आशंका थिबारो ब्रिटेन फेरंदक उपर नजर रखिबाकु जिलापाल म्युनिसिपल कमिशनर एवं सीडीएमओ को चिठी लिखिछि स्वास्थ्य विभाग। ब्रिटेन रु चिन्हट होइतबा नूतन गणसूत्रधारी कोरोना भाइरस 70% संक्रमक थिबारो एनि सतर्क रहिबाकु स्वास्थ्य विभाग पक्षरु कहा जाइछि। एथिसहित संक्रमण को सीमित रखिबाकु स्वाब नमूना किभलि संग्रह करा जइबो एथिने गाइडलाइन जारी करा जाइछि। गाइडलाइन सहित दिल्ली विपर्यय परिचालना कर्तृपक्ष द्वारा दिया जाइथिबा 43 जन यात्रीक विवरणी देइछि स्वास्थ्य विभाग। ये 43 जन मध्य 35 जन पुरुष और 8 जन महिला रही। नंबर 5 परी मृत्यु मामला। डेमो देखाइला अभियुक्त नाबालिका परी हत्या अभियुक्त सरोज सेठी गतकाली डेमो प्रदर्शन करिछे। से हत्या परे परीर सबुक किभली नै फिंगिला से सबुर अभिनय कर देखाइथिला। 3 दिन रिमांड रे सरोज को एसआईटी नैथिबा बडे गतकाली संध्या रे रिमांड अवधि सरिछे। काली दिन प्राय 12टा बेले एसआईटी रो किछि सदस्य आसी जदोपुर सरोजर घरे पहुँचिथिले। तार माँ एवं भौणी सहित आलोचना करिथिले। एपर एसआईटी मुख्य अरुण बोथ्रा आसी जदोपुर पहुँचिथिले। बोथ्रा उपस्थित रे सरोज डेमो देखाइथिला। नंबर 6 पाप करिबा परे परीर खबर उपरे नजर रखुथिला अभियुक्त। नयगढ़ जदोपुर नाबालिका परी हत्या मामला को नै राज्यर थमुनी चर्चा। अभियुक्त सरोज सेठी को एसआईटी गिरफ करिबा परे राज्य रे मामला को नै चर्चा जोर धरिछि। एपरिक परीर बापा मा मध्य एहाक ग्रहण करुनाहांती किंतु यार भितर पुणि नुआ सूचना देखते एसआईटी मुख्य अरुण बोथ्रा। से कहते मुझे सरोज विषय जाणी ताठू बेसी से मो विषय जाणीला। से मो विषय गुगुल तथ्य संग्रह करवल से नुहे सरोज पुलिस तदंत को ट्राकिंग करूला। एसआईटी तदंत नहीं नियमित न्यूज देखुला। सरोज नाबालिका को हत्या कर घटन तार पर लोके जाते एसआईटी मुख्य अरुण बोथ्रा गणमाम को कहते। नंबर 7 एथर अफिसीयल 2022 आईपीएल 10 टीम। 2021 रे खेला जावाक आईपीएल को अधिक रोमांचकर करिया पई बीसीसीआई बड़ घोषणा करिछे। 2022 रे होबाक आईपीएल रे आउ 2 नुवाटी टीम भाग नेबे अर्थात 8 परिवर्ते आईपीएल 10 टीम अंश ग्रहण करिवे। गतकाली अहमदाबाद रे आयोजित बीसीसीआई एजीएम रे एही बड़ घोषणा करा जाइछे। तेबे 2 नुवा टीम 2021 संस्करण रे शामिल हेबे नाही। ए बैठक रे मथे आउ किछि बड़ निष्पत्ति नै जाइछे। अंतर्जातीय ओलंपिक्स कमिटी थारु स्पष्टीकरण परे बीसीसीआई 2028 रे लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स टी20 क्रिकेट अंतर्भुक्त नहीं आईसीसी रो दावीदार को समर्थन करिछे। एथिसहित कोरोना जगु प्रभावित होइतबा समस्त प्रथम श्रेणी क्रिकेटर को क्षतिपूरण देबा को बोर्ड पक्षरु निष्पत्ति नै जाइछे।
नंबर आठ टीम इंडिया रे पात्र अंतरनीति अभियोग आणिले गावास्कर। भारतीय क्रिकेट दल पूर्वतन अधिनायक सुनील गावास्कर टीम इंडिया रे विपक्ष में पक्षपातित अभियोग आनी सबू खेला सामान भाव में विचार कराऊना अधिनायक विराट कोहली पैटर्निटी लिव नहीं सांघातिक कथ कहते कोहली संगे संगे छुट्टी मिलता बेले आज पर्यंत त्यागी नटराजन शिशुर मुह देखिपारिना रविचंद्रन अश्विन प्रति अन्याय कर टेस्ट क्रिकेट में 350 रु अधिक विकेट नहीं बेले चारिटी शतक मारी यापर भी गोटे मैच खराब खेल मात्रे दलरु बाहर कर दि जाए। नंबर नौ जानुरी पहलू फास्टैग बाध्यतामूलक केन्द्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक बड़ घोषणा करते आसंता जानुरी एक तारीख रु देश में समस्त जानवाहन फास्टैग बाध्यतामूलक करते जी सुविधाप नगद कारबार बंद करने समय बचा निष्पत्ति केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय डिजिटल कारबार को वृद्धि करने जानुरी पहलू समस्त जानपाई फास्टैग व्यवस्था लागू करते नियम अमान्य कले दृढ़ कार्यानुषान ग्रहण विभाग पक्ष सूचना दी जाए। नंबर दस देश में गड़ब ड्राइवर विहीन मेट्रो ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता डिसेंबर 28 तारीख दिन दिल्ली में देशर प्रथम ड्राइवर विहीन मेट्रो ट्रेन को पताका देखा शुभारंभ करेंगे। चलित मास शेष सुधा प्रधानमंत्री ड्राइवर विहीन मेट्रो ट्रेन लॉन्च कर पारती बोली चर्चा होता कि आनुष्ठानिक भाव में घोषणा कर देश में प्रथम स्वयंचालित ड्राइवर विहीन मेट्रो ट्रेन 37 किलोमीटर जाए जावाक दिल्ली जनकीपुर पश्चिम नोएडार बोटनिकल गार्डेन मेट्रो ट्रेन चलाचल कर। नंबर एगार मोदी कार्यालय को गले ना ममता बानर्जी पश्चिमबंगे आसंता वर्ष होगा विधानसभा निर्वाचन पूर्व तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मध्य कसरत आरंभ हो कसरत प्रभाव केन्द्र और राज्य सरकार समन्वय मध्य पड़ी कारण गुरुवार दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वभारती विश्वविद्यालय शतवार्षिकी उत्सव में अंशग्रहण करते प्रोटोकल अनुजाई पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानर्जी को कार्यक्रम में जोग देवार किंतु ममता उत्सव में जोग देना जहाँ को चर्चा जोर धरी। नंबर बार कृषि आईन को नहीं राष्ट्रपति भेटिले राहुल गांधी कृषि आईन को नहीं कृषकों विरोध तीव्र होवार लगी आईन प्रत्याहार दाबी अटल अच्छा चाषी ए समय एक प्रतिनिधि दल को नहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेटे कांग्रेस पूर्वतन अध्यक्ष राहुल गांधी राष्ट्रपति को भेटे चाषीों दाबी संपर्क अवगत कराइवा सहित कृषि आईन प्रत्याहार समर्थन में 2 कोटी लोकों दस्तगत थी दावीपत्र राष्ट्रपति देते राष्ट्रपति को भेटा पर राहुल केन्द्र सरकार को ऊपर बसी सरकार तुरंत स्वतंत्र अधिवेशन डकाई आईन प्रत्याहार करनी जदि कृषि आईन प्रत्याहार न हुए तेज पूरा देश क्षति सह राहुल कहते। नंबर 13 कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद को 15.5 वर्ष जेल मुंबई आक्रमण मास्टरमाइंड जमात उल दाबा मुख्य तथा कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद को पाकिस्तान एक आतंक निरोधी कोर्ट 15.5 वर्ष जेल दंड शुणाई एथसत 2 लक्ष पाकिस्तानी टंकार जरिमाना लग जा पूर्व 4 आतंकवादी पांठि जोगाण मामलें 70 वर्ष हाफिज को 21 वर्ष जेल दंड होता फल मोट 5 मामलें हाफिज सईद को मोट 36 वर्ष जेल कटाइवाक पड़े गतकाली लाहौर आतंक निरोधी कोर्ट हाफिज सईद व्यतीत आउ 4 जन को जेल दंड शुणाई। नंबर 15 परी हत्या मामला यथाशीघ्र चार्जसीट दाखल करने को निर्देश नयगढ़ परी हत्या मामलें खूब शीघ्र चार्जसीट दाखल कराओ मामला को दीर्घ दिन बीती जाइथिबारो चार्जसीट दाखल करने को गतकाली एसआईटी को हाइकोर्ट कड़ा निर्देश देते पूर्व चार्जसीट दाखल नहीं पद्मालय महापात्र नामक जड़े व्यक्ति हाइकोर्ट आवेदन करते से सत्यपाठ एसआईटी मुख्य बयान में तालमेल रो अभोग कर आवेदन करते मामलें परवर्त शुणा आसंता जानुरी 12 तारीख हो देखिबा परवर्ती खबर कोविड मृत सरपंच पत्नी को 50 लक्ष टंका आर्थिक सहायता बालियंता ब्लॉक अधीन बईचुआ पंचायत सरपंच विजय कुमार साहू को कोविड मृत्यु होता स्वर्गत साहू विधवा पत्नी बिजुली बत्ती साहू को जिला प्रशासन पक्ष गतकाली 50 लक्ष टंका आर्थिक सहायता प्रदान कर खबर पाई अपराह बिजुली बत्ती संपर्कों सहित निजर 2 नाबालिक झील को नहीं जिलापा कार्यालय में पहुंचे सेठे जिलापा श्री महांती 50 लक्ष टंका चेक प्रदान करते देखिबा शेष खबर पूरण हेबो 972 अध्यापक पदवी 4 वर्षे 2403 जन को मिल निजुक्ति पूरण हेबो 972 अध्यापक पदवी 80 जन को निजुक्ति पत्र बंटन 4 वर्षे 2403 जन को निजुक्ति डिग्री कॉलेज गुड़िक खाली पड़ा अध्यापक पद पूरण दिगरे उच्चशिक्षा विभाग पक्षर पदक्षेप नि 2016 आज सुधा विभिन्न बेसरकारी अनुदान प्राप्त कॉलेज 2403 जन अध्यापक को राज्य सिलेक्शन बोर्ड माध्यम रे चयन करा जाई नियुक्ति दिया जाई छे एथिसहित 972 अध्यापक पद पूरण पई प्रार्थी चयन लागि राज्य सिलेक्शन बोर्ड को सुपारिश करा जाई छे बोली उच्च शिक्षा मंत्री अरुण साहू गतकाली सूचना देछंती।